डियर स्टूडेंट्स हैव ए नाइस टाइम आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक टू डी वी विल स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईज क्वेश्चन कैरीज वन मार्क क्वेश्चन फर्स्ट वॉट इज द फुल आर बी सी आर बी सी की फुल फॉर्म क्या है यू नो वेरी वेल आर बी सी मीन्स रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कड़ेगा आरबीसी देखिए ब्लड में दो प्रकार की होती है सेल्स आरबीसी एंड डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है यहां पर क्या? क्या है रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हाट इज द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर तो देखिए सॉलिड लिक्विड एंड गैस इसका आंसर क्या है सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड जो है उसमें आइस फॉर्म होती है और लिक्विड जो है वाटर एंड गैस क्या है वेपर्स हो जाती है जिस समय हॉट हो जाता है वाटर तो बेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है गैस तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस थ्री फॉर्म तो ये रह सकता है वाटर क्वेश्चन थ्री विच टाइप ऑफ मरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज रियल इमेज हम जानते हो रियल इमेज क्या होता है जिसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है तो रियल इमेज तो किसके द्वारा बनता है ये कौन के मिरर कौन के मिरर द्वारा रियल इमेज बनता है इस कौनके मिरर को जो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं उस दांतों को जो है परीक्षण के लिए कौनके मरर क्या समझ में क्या कौनके मिरर देखो प्लेन मिरर में हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनता है कभी भी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है इसलिए यहां पर आंसर है कौनके मिरर क्वेश्चन फोर्थ व्हाट इज ह्यूमर्स ह्यूमर्स क्या है डेड एंड डिकेइंग मैटर मिक्स्ड विद सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमर्स तो सड़ा गला पदार्थ जो है जो कि सॉइल में मिक्सअप हो जाता है इसे ही ह्यूमर्स कहते हैं तुम देखो पत्तियाँ वगैरह है और बहुत सी ये लिप्स है कूड़ा करकट वगैरह ये जो है उनमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं और ये डिके हो जाता है और यही ह्यूमस बनाता है क्वेश्चन फिफ्थ इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो जाइलम फ्लोएम स्टोमेटा एंड रूट एयर तो किसकी द्वारा ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो रूट से वाटर जो है ये जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है तो क्या यहां पर क्या आंसर है जाइलम तो आंसर ये फर्स्ट जाइलम यहां पर टिक लगा देंगे इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। आंसर क्या हुआ जाइलम। नेक्स्ट इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो देखिए लीव्स में फूड बनता है ये फूड जो है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट वाटर तो जाइलम के द्वारा आ गया पत्तियों तक अब ये फूड जो पत्तियों ने लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है इस किसके द्वारा जाता है ये इस द्वारा फिलोइम द्वारा तो आंसर फिलोय सेकेंड आंसर जो है ये फ्लोएम क्वेश्चन सेवन एज फोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज दोबारा हो गया है एक बार कट करना ये तो एज फोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज क्या है रोज ब्रेड माउल्ड पोटैटोस जिंजर तो हियर आंसर ब्रेड माउल्ड देखिए फफूंदी जो है रोटी वगैरह ये टुकड़ा रह जाता है उस पर उगाती है तो फफूंदी होती है उसी को कह क्या कहते हैं ब्रेन माल्ट उस पर स्पोर स्पोर्स बनते हैं तो answer, second, ये आंसर सेकेंड ब्रेड माल्ट ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं नेक्स्ट है मेचोर ओवरी फॉर्म्स दा मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द सीड स्टेमिन पिस्टल फ्रूट तो हेयर आंसर फ्रूट मेच्योर ओबरी के द्वारा क्या बनता है ये किसमें बन जा जाती है फ्रूट में तो हियर आंसर फ्रूट क्वेश्चन नाइन द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज देखिए प्लांट पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह क्या होता है फ्लोवर होता है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नहीं है स्टेम भी नहीं रूट भी नहीं क्या होगा फ्लोवर फ्लोवर पर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तो यहां पर ही आंसर फ्लोवर क्वेश्चन टेन नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इज देखिए मनुष्य ह्यूमंस में एक मिनट में ब्रीदिंग रेट क्या होता है फिफ्टीन टू एट्टीन फिफ्टीन टू एट्टीन ये ब्रीदिंग रेट है क्वेश्चन 11 ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कौनकेब लेंस कौन के मिरर कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर हम जानते हैं कि कौनकेब लेंस जो है ये स्मॉल इमेज ही बनाता है कौन मिरर कौन के मिररर ये जो है ये लार्जर और वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनवेक्स मिरर वर्चुअल और शॉर्टर होता है स्मॉल इमेज बनता है प्लेन मिरर से वर्चुअल एंड सेम साइज सेम साइज तो आंसर कौन के मिरर क्या आंसर है कौन के मिरर कौन के मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है और लार्जर बनता है बिल्कुल इसके पास में जब रखते हैं तो इसका लार्जर इमेज बनता है डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं दांतों के पास में जब इनमें जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट है, उसको तो टीथ का बड़ा इमेज बनता है टीथ का बड़ा इमेज बनता है जिससे वो टीथ को एग्जाम कर लेते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइस्ट इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाइस्ट किस में होती है वाटर को धारण करने की क्षमता रखने की क्षमता तो सैंडी सॉइल क्लेई सॉयल लूमी सॉइल एंड मिक्सचर ऑफ सेंड एंड लूम्स तो हियर आंसर क्लेई सॉयल क्लेई सॉयल क्या है चिकनी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी फाइन पार्टिकल होते हैं और इसमें जो है पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होती है और इसमें जो है एयर भी कम होती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है क्लेई सॉइल में चिकनी मिट्टी में अधिक होती है तो आंसर क्लेई सॉइल क्वेश्चन थर्टीन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है ब्लड में क्या क्या होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स डब्लू बी व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म होता है जो ब्लड में लिक्विड है वह क्या है प्लाज्मा है और उसी में प्लेटलेट्स होती है तुम देखा होगा बहुत सी डिसीज होती है उसमें कहते हैं अरे प्लेटें है, कम हो गई हैं तो वही प्लेटलेट्स हैं ये जो है ये क्लोटिंग करती है जो ब्लड है उसको क्लोट करती है एट द टाइम ऑफ इंजरी तो क्वेश्चन इन एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू कॉकरोच में एंट्री एयर जो है किसके द्वारा एंट्री करती है लंग्स गिल्स स्पाइरिकल्स एंड स्किन तो हियर आंसर स्पाइरकल्स स्पाइरकल्स द्वारा जो है कॉकरोच में एयर एंट्री करती है स्पारकल्स स्पाइकल्स जो है ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं बॉडी पर उन्हीं के द्वारा जो है एयर एंट्री करती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये वन मार्क्स हैं तो इसमें है ड्रीम बिग सेट गोल्स टेक एक्शन के फोकस योर माइंड ऑन योर गोल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर बी इंटेलिजेंट बी हैप्पी बेस्ट लक ठीक है इसमें जो है वन मार्क्स के इस वीडियो में क्वेश्चन वो दिए हैं नेक्स्ट टू मार्क्स अगली वीडियो में टू मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे ओके बेस्ट ऑफ लक